नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे यस वाली साइन जो यदि आपके हथेली में हो तो ऐसे जातक को सफलता भी मिलती है, यस भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, लॉटरी वगैरह मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। जुए सट्टे लॉटरी में लाभ। आप जब पाम को इस तरह से करेंगे, ये आपका अनामिका फिंगर है और ये आपका जुपिटर का फिंगर है। यदि आपके पाम की अनामिका फिंगर की लेंथ जुपिटर की फिंगर से, गुरु की फिंगर की लेंथ से बड़ी हो, यदि आपकी सन की फिंगर की लेंथ आपकी जुपिटर की फिंगर की लेंथ से बड़ी हो, तो इसका मतलब होता है ऐसे लोगों का सन स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरा, यदि सूर्य की फिंगर की लेंथ बड़ी हो, साथ ही साथ सूर्य लाइन हो और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, बहुत अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट इन सभी जगहों से सडन वेल्थ की प्राप्ति होती है। एक दूसरा कंडीशन, यदि आपके सूर्य माउंट पे स्टार का साइन हो, बहुत ही सौभाग्यशाली साइन बोला जाता है, ऐसे लोगों को भी सडन धन लाभ तो होता ही होता है, साथ ही साथ बहुत बड़े लेवल का नेम फेम मिलता है। यस वाली लाइनें बोली जाती है। व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको बहुत सारे साइन के बारे में बता रखा है, बट आज हम टू दी पॉइंट आपको इस तरह से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक ही लोकेशन में बना बना के बोर हो जाना होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा लोकेशन चेंज करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यदि आपके रेखाओं पे, मान लीजिए आपकी माइंड लाइन हो, आपकी हार्ट लाइन हो, आपकी सूर्य रेखा हो, या फिर मतलब आपकी जितनी भी प्राइमरी रेखा हो या सेकेंडरी रेखा हो, ठीक है, इन दोनों रेखाओं पे यदि कभी भी आपको ट्रायंगल दिखे, कभी भी देखे, उस एज में आपको जबरदस्त सफलता मिलती है और अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धिमता से, किसी के रेफरेंस से नहीं मिलती है, यानी कि सेल्फ मेड लक बोलते हैं इसको। तीसरा जो बहुत शुभ साइन होता है, यदि आपके चंद्र के माउंट पे स्टार का साइन हो, देखिए बहुत कुछ में निगेटिव वे में भी काम करता है, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चिन्ह के बारे में बताती हूँ। तीसरी जो साइन होती है, यदि आपके स्टार का साइन आपके चंद्र माउंट पे हो, तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, ऐसे लोगों को प्राइज वगैरह मिलता है, तो बहुत ही शुभ साइन होता है। उसके बाद चौथा साइन जो नेक्स्ट साइन है हमारा, वो है यदि आपके फिश का साइन हो सूर्य माउंट पे, तो मल्टी मिलीनियर साइन बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। और देखिए एक लाइन जो होता है यस का लाइन, ठीक है, जिसको कि हम लोग नेम फेम का लाइन बोलते हैं। यदि आपके सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में जो एक लाइन आती है, यहां से अगर कोई लाइन आए, यहां से इस प्रकार से, यहां से इन दोनों फिंगरों के बीच से कोई लाइन आके आपके सूर्य माउंट को, सूर्य रेखा को टच करे, तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा लाभ होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी का योग होता है। अब ऐसे लोगों के पास में अगर ये साइन हो, तो इन्हें मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग होता है। यदि आपके हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में स्क्वायर का साइन हो, यदि कभी भी आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में स्क्वायर का साइन होता है, तो ऐसे लोगों को भी बहुत सारी प्रॉपर्टी का योग होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग होता है। अगर आपके सनी माउंट पे स्क्वायर का साइन हो, तो ये आपके पुश्तैनी संपत्ति के लाभ को दिखाता है। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग विद्या रेखा बोलते हैं, यदि आपके सूर्य और शनि के बीच से कोई रेखा आए, तो इसे हम लोग बेसिक नॉलेज की रेखाएं बोलते हैं। ऐसे लोगों में बेसिक नॉलेज काफी ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि कोई भी चीज को बहुत बारीकी से जानना, अंत तक जानना, ऐसी प्रवृत्ति होती है। उसी तरह यदि आपके गुरु माउंट पे कभी भी स्क्वायर का साइन दिखे, फिश का साइन दिखे और स्टार का साइन दिखे, तो ये यस देने वाली होती, नेम फेम देने वाली साइन होती, बहुत ही शुभ साइन होती है। देखिए 10 तो मैं बताऊंगी, मैं काउंट नहीं कर रही हूं, बट ऐसे मैं वर्बली बता रही हूं कि बहुत शुभ साइन अगर आपके हाथ में है। आपको कभी भी राहु माउंट पे ट्रायंगल दिखे, जो कि मनी ट्रायंगल जिसे हम लोग बोलते हैं, देखिए मनी ट्रायंगल बहुत ही शुभ होता है। मनी ट्रायंगल क्या होता है, यदि आपके भाग्य रेखा से, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए मनी ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होता है, मनी ट्रायंगल के लिए कंडीशन होता है आपकी जो बुध रेखा है, वहां से कोई लाइन आके आपके मस्तिष्क रेखा को टच करे, तो एक ट्रायंगल बनता है। इसमें देखिए तीन रेखाएं इन्वॉल्व होती है, एक तो होती है आपकी लक लाइन, एक होती है मस्तिष्क रेखा, और एक होती है जो लाइन आती है इन दोनों को बीच को मिलाने वाली लाइन, उसे हम लोग बोलते हैं मनी ट्रायंगल। यदि मनी ट्रायंगल राहु माउंट पे होता है, तो ऐसे लोगों को आज सफलता मिले, कल सफलता मिले, बहुत बड़े लेवल की सफलता मिलती है, धन की भी बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं। यदि आपके गुरु की फिंगर और शनि के फिंगर के बीच में फिश का साइन हो, तो ऐसे लोगों के ससुराल बहुत रिच होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे लोगों का सेविंग की प्रवृत्ति होती है, और सेविंग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको कभी भी अंगूठे
चेहरे पे यव का साइन दिखे, तो ये भी काफी शुभ साइन होता है। ये साइन भी मल्टीमिलियनेयर बनाता है क्योंकि ये भी सेविंग को बताता है, खुला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो होता है जौ के आकार का, जिसे कि हम लोग बुद्धा आइज बोलते हैं, यदि आपके अंगूठे पे कभी भी बुद्धा आइज दिखे तो इन लोगों का सिक्स सेंस अच्छा होता है। यदि आपके अंगूठे पे बुद्धा आइज हो, सनलाइन स्ट्रांग हो, माइंड लाइन स्ट्रांग हो, अनामिका फिंगर बड़ी हो, तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केटिंग, जुआ सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों में लाभ होता है। और देखिए, कभी भी फिंगर आपकी नुकीली हो, तो ऐसे लोगों को, जैसे सारी फिंगर की टिप जो होती है ये नुकीली हो, तो ऐसे लोगों का एनालिटिक पर्सनालिटी होता है, तो इन लोगों से राय मशवरा जरूर करना चाहिए। कोई भी चीज के लिए एनालिसिस बहुत अच्छे से किसी भी चीजों का करते हैं ये लोग। उसके बाद आप देखेंगे, यदि आपके सूर्य माउंट पे मल्टीपल लाइनें हो, देखिए बहुत लोगों बोलते हैं मेरे पे सूर्य माउंट पे तो 3-4 लाइनें हैं, मुझे सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल नहीं मिलती है, सूर्य माउंट पे 1 या 2 ही लाइन अच्छी और शुभ मानी जाती है। यदि आपके सूर्य माउंट पे 1-2 से अधिक लाइनें हो, तो ऐसे लोगों को भटकाव होता है, मल्टीपल काम करने की इच्छा होती है, जिस वजह से ये लोग मल्टीपल काम में हाथ डालते हैं और किसी भी एक काम में सफलता नहीं मिलती है। तो सूर्य माउंट पे हमेशा 1 लाइन ही अच्छी मानी गई है, या 2 लाइन ठीक है, बट इससे ज्यादा लाइन अच्छी नहीं मानी गई है। उसी प्रकार से यदि आपके बुध माउंट पे अगर मल्टीपल लाइनें हो, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये होता है कि ऐसे लोग डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, केयरिंग स्टाफ होते हैं, तो ये बहुत अच्छा शुभ साइन होता है। तो 10 साइन से ज्यादा मैंने आई थिंक आप लोगों को बता दिया होगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।